Welcome to Bonds News, your global window into current affairs. In his remarks on the West Bengal elections, Prime Minister Narendra Modi portrayed the BJP surge as a sign of the party's growing influence in the state, contrasting it with what he described as the Trinamool Congress's struggle for survival. ये क्या विंडिकेशन है? 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठ की दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर, वेल्थ क्रिएट के क्या विंडिकेशन है? 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठ की दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर, वेल्थ क्रिएट के क्या विंडिकेशन है? 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठ की दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर, वेल्थ की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि NIA के जो फुट सोल्जर्स हैं, एक बार उनको वेरीफाई कर देना चाहिए कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में TMC पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, TMC के लोग बौखलाए हुए हैं, लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। मुल्की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि एनआईए के जो फुट सोल्जर्स हैं, एक बार उनको वेरीफाई कर देना चाहिए कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। मुल्की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि एनआईए के जो फुट सोल्जर्स हैं, एक बार उनको वेरीफाई कर देना चाहिए कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा। तक मुद्दे पर आते हैं, कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्यायतंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीजें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहाँ फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सर, ये क्या मुद्दे पर आते हैं, कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए तो उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। ये एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ED, IT, CBI इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना भाई, तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन सरकार क्या करती है? प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई जुटबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। मुझे थोड़ी सी एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूँगा। लेकिन सरकार क्या करती है? प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई जुटबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। Thank you for choosing BGN channel. Stay tuned, like and subscribe.